अभी हम गया के मगध मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम रूम के पास है। एडवोकेट भी रह चुके हैं मृतक रंजीत कुमार, वो अपने घर से सुबह गया के लिए आ रहे थे कि अचानक मंझौली गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। प्रशासन से ही मतलब हमारी मांग है कि जिस समय ये घटना हुई है उस समय जैसे जो गांव है उसके आसपास जो भी जो कॉल हुआ है या कुछ भी हुआ है उसका जो कॉल स्टेट लगाना चाहिए, जो कि पता चल सके क्या हुआ गांव से है या नहीं है कोई, और कुछ नहीं। घटना का कारण क्या हो सकता है? घटना का कारण उतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी आपराधिक मामला कुछ भी हो सकता है। तो हो सकता है वही कॉल जिस घटना हुई है तो उस एरिया में जैसे 1 किलोमीटर तक जो कॉल जहाँ भी जाया है वो भी आया है उससे 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, तो वो ये होना चाहिए उसका। भाजपा नेता भी थे और भाजपा नेता तो अलग थे, उससे कोई मतलब नहीं था। भाजपा वकील भी थे, एडवोकेट भी थे। वकील थे। तो क्या लगता है कि अभी हम इस पर पूरा नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि जो कॉल स्ट्रेस है ना वो उस दौरान हत्या के बाद ग्रामीणों का कहना है कि आपसी में झड़प हुई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई है। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। गया से बादल कुमार, बिहार अपडेट्स के लिए।